बट लवाजिन के नाम वो खेल जाएगा, स्कारल चलाते हुए नजर आए थे जरूर, बट फुटबॉल का स्क्वाड पूरा अपने पैरों पे खड़ा है। बट तीन प्लेयर जो जिंदा थे फुटबॉलर्स के, एक जो रिवाइव हो रहे थे, उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से टीम सीक्रेट से फाइट किया, तभी ये एरिया और ये सर्कल उनको मिला, बिकॉज फुटबॉलर्स अकेली ऐसी टीम है जो सेंटर में चारों प्लेयर के साथ, सेंटर में अपने सारे के सारे प्लेयर्स इनके मौजूद है। इनके अलावा 4 AM के पास सबसे ज्यादा प्लेयर्स है, दैट इज 3 players जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्कल भी नहीं है और उस चीज का प्रेशर अब यहाँ पे आता हुआ जहाँ पे सिने को नॉकडाउन कर दिया गया, स्वान भी टेकन डाउन होते हुए, फुटबॉल के लोवाजीन को फाइनली नॉकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन रिवाइव बहुत ही जल्दी आ सकता है। रॉम चाहते हैं कि रिवाइव से पहले ये पता करें कि आखिर प्लेयर जिन्होंने इनके टीममेट को नॉकआउट किया वो कहाँ पे मौजूद है। फुटबॉल ये गेम अपने नाम बहुत ही जल्दी करने वाली है, 10 kills इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 AM के साथ फाइट लेना अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 4 AM को अभी कमजोर कर दिया गया है, उनके प्लेयर्स नॉकड आउट है, लेकिन फुटबॉल पहले चाहती है रिवाइव करें, नंबर उनके पास एडवांटेज में, एंड देन दे गो फॉर इट। और मे बी आई वॉज रॉन्ग, ग्रोजा का एक्शन देखने को मिलता है, जिने हैज बीन फिनिश्ड, स्वान का भी किल कंफर्म कर लिया गया, अब 4 AM के एक प्लेयर बचे हैं, बेसिकली फुटबॉलर्स के 4 players बचे हैं और उसके बाद बाकी की जो टीम है उनके एक एक प्लेयर बचे। कुरीना पावर आती है सेकंड पोजीशन पे, ब्लैक व्हाइट यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करते हुए, इनके ऊपर हर जगह से गोलियां चलाई जा रही है, सोल के चार्जिंग कर रहे हैं, और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन जो बात हमें पता थी वो यहाँ पे सच होती हुई, फुटबॉलर्स सिक्योर करती हुई अपने लिए ये चिकन डिनर, वो भी 15 kills के।